Hello students, in the last video we have started the discussion of different type of reactions. We have discussed substitution reaction. Substitution reaction bhi hamari aage free radical, electrophilic and nucleophilic substitution type humne discuss kari thi. Depend karta hai ki hamara jo substitute ho raha hai, replace ho raha hai, wo radical species hai, wo cationic species hai ya anionic species hai. Similarly humne addition reaction discuss kari thi. एडिशन रिएक्शन में हमारे टू मॉलिक्यूल्स या टू कंपाउंड्स आपस में ऐड होते थे. ये हमारे पास जिस मॉलिक्यूल में दैट इज सबस्ट्रेट में जहाँ एडिशन होती थी वहाँ हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड चाहिए था और कोई भी रिएजेंट उसमें अटैच हो जाता था, ऐड हो जाता था. ये भी हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी. नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इस कैटेगरी में एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए. सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है, उससे मेरे पास एक न्यू प्रोडक्ट बनता है. कब बनता है? जब वहाँ से कोई मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट हो जाए. इसकी हमारी सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गई अगर मेरे पास कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल है. जब हम अल्कोहल को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एल्कीन बन जाती है और साथ में मेरा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है. दैट मीन्स ये मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. मेरे पास एक रिएक्टेंट है, उससे एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर मेरे पास प्रोडक्ट बन गया. ऐसे ही मेरे पास अगली कैटेगरी की रिएक्शन है CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH. यहाँ से मेरे पास एक्सियल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है. जब मेरा एक्सियल मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा मेरे पास एल्कीन बन जाएगी. तो ये हमारे पास डिफरेंट एलिमिनेशन रिएक्शन है. एलिमिनेशन रिएक्शन मेरी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन भी हो सकती है. एंड बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है. डिपेंड करता है मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है. इन केस ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो ओनली एक रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है. बायमॉलिक्यूलर में जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट टू और कह सकते हो रिएजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. तो ये हमारे पास डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन में एक स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है या दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है. मेरी रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर या बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकते हैं. एलिमिनेशन रिएक्शन ये हमारे पास एक और कैटेगरी भी है, अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन. अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन ये हमारे पास नेम कहाँ से आया डिपेंड करते हैं. जो मेरे ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहे हैं वो सेम कार्बन से जा रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन से जा रहे हैं, टर्मिनल कार्बन से जा रहे हैं या एक कार्बन छोड़ के जा रहे हैं. सपोज हम लोग ऑलरेडी ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. जब मेरा क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल KOH के साथ ट्रीट करते हैं, क्लोरोफॉर्म की हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. सपोज बेस H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेस KOH एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. मेरे पास यहाँ एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे रह गए, साथ में मेरा तीन सी एल ग्रुप है और यहाँ से भी मेरा एक सी एल ग्रुप एलिमिनेट कर जाता है एज अ नेगेटिव. तो मेरे पास जो स्पीशीज बनती है कार्बिन्स होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे उसके टू बॉन्ड्स है और टू हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और मेरे पास हाइड्रोजन एंड हेलोजन एक ही कार्बन से जा रहा है, तो ये मेरे पास एग्जाम्पल होगी अल्फा एलिमिनेशन. जब मेरे पास जो भी ग्रुप इलिमिनेट हो रहा है सेम कार्बन से जा रहा है वो मेरे पास अल्फा एलिमिनेशन की एग्जाम्पल होगी. बीटा एलिमिनेशन में दो एडजेसेंट कार्बन से मेरे ग्रुप जा रहे हैं. सपोज अभी हमने एग्जाम्पल करी एल्कोहल से, OH ग्रुप यहाँ का, हाइड्रोजन ये वाली, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है. ये मेरे पास एग्जाम्पल होगी बीटा एलिमिनेशन की. गामा एलिमिनेशन में मेरे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन है, जो गामा पोजीशन है आपस में, अल्फा पोजीशन सपोज मैं कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरे पास CH2 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 Br है. ये मेरी फर्स्ट कार्बन की बात करिए, ये मेरी अल्फा कार्बन होगी, देन बीटा होगी और ये मेरे पास गामा होगी. अगर मेरा ये वाला और ये ग्रुप निकल जाते हैं, जो
आपस में गामा रिलेशन में है। ये रिएक्शन मेरे पास इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक होती है, मेरे पास Br2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है CH2 CH2 CH2। ये मेरे पास एग्जांपल होगी गामा एलिमिनेशन के। गामा के बाद हमारे पास डेल्टा भी होते हैं, अगर कार्बन का नंबर बढ़ जाए तो मेरे पास गामा के बाद जो उनका रिलेशन हो जाता है डेल्टा एलिमिनेशन। तो हमारी एलिमिनेशन की टू टाइप्स क्लासिफिकेशन है, यूनिमोलिकुलर और वाई मोलिकुलर। डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करे, एक रिएक्टेंट की बोथ रिएक्टेंट की। अल्फा बीटा एंड गामा डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी जिस केस में मेरा सेमी कार्बन से एलिमिनेशन हो, दोनों ग्रुप्स अल्फा एडजेसेंट से हो, बीटा गामा पोजीशन से हो, तो मेरे पास वो गामा एलिमिनेशन आ जाती है। देन उसके बाद हमारे पास है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेम से क्लियर है, मेरा मॉलिक्यूल रीअरेंज कर रहा है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन की हमने सबसे पहले एग्जांपल, जब हमने ये वीडियो सबसे पहला चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ा, उसके इसमें हमने बोला जब आर्टिफिशियली यूरिया लैब में बना, कैसे बना, अमोनियम साइनेट मॉलिक्यूल रीअरेंज कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और वहां से मेरे पास यूरिया आ गया। तो रीअरेंजमेंट मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे बॉन्ड चेंजेस होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं, मेरा एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये मेरे पास एग्जांपल क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। अब रीअरेंजमेंट में दूसरा रीअरेंजमेंट में हमने कार्बोकेटाइन के केस में पढ़ा, हमने कहा टर्शियरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर स्टेबल है तो अरेंजमेंट पॉसिबल है मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, तो मेरे पास उन केसेस में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH3 CH CH OH CH3। इस केस में मेरी डिहाइड्रेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सपोज वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, मैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या कर रही हूँ, ये OH है, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मैं प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ से मेरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, दैट इज बट इस केस में इस प्रोडक्ट के अलावा मेजर प्रोडक्ट हमारा कुछ और बनता है। वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं। मेरे पास जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होती है, सबसे पहला स्टेप हमारा प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप होती है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनती है। जब मेरे पास यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगी, मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, वाटर लूज हुआ, मेरे पास कार्बोकेटाइन आया, ये कार्बोकेटाइन मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। मुझे पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शरी से कम स्टेबल होता है, अगर पॉसिबल है मिथाइल हाइड्राइड की शिफ्ट के थ्रू, तो यहाँ पे मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। मेरा ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, दैट इज मेरे पास 1-2 मिथाइल शिफ्ट। हम ऑलरेडी हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं, CH3 CH3 CH CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का है। नेक्स्ट मेरे पास से लॉस ऑफ एच पॉजिटिव होता है यहाँ से, तो मेरे पास एल्कीन कौन सी आ जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। दिट मीन्स ये मेरे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। मैं प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये आना चाहिए, बट उसके अलावा मेरे पास ये प्रोडक्ट भी साथ में आ रहा है। वो क्यों पॉसिबल है, मेरे मॉलिक्यूल में कुछ रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो ये मेरे पास एग्जांपल होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंडेंस होते हैं टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ी है एल्डोल कंडेंसेशन, मेरे दो डिफरेंट या सेम एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके एक प्रोडक्ट बनते हैं, मेरा वाटर मॉलिक्यूल या कोई और मॉलिक्यूल लूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में मेरे पास एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, या कोई कीटोन या कोई और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ भी मेरी कंडेंसेशन रिएक्शन।
इन द प्रेजेंस ऑफ पीस, मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बनता है, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बोन एच. अगर यहाँ से वाटर लूज हो जाए तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट में ये स्ट्रक्चर आ जाती है. अब इस केस में कंडेंसेशन होती कैसे, जो बेस है अल्फा हाइड्रोजन कार्बन आई के विद रिस्पेक्ट अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन आई बनता है. इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें, बेस यहाँ पे कार्बन आई बना देता है. दिस कार्बन आई अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच. ये सी एच टू ने यहाँ बॉन्ड बनाया सी एच ओ नेगेटिव सी एच थ्री, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके मेरे पास ये मॉलिक्यूल हो गया. ये मॉलिक्यूल ने वाटर लूज करके मेरे पास कंडेंस्ड मॉलिक्यूल दे दिया. अगर मैं इसी स्पीशीज की बात करूँ तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के कंडेंस हो गए, बट लॉस ऑफ वाटर से मेरे पास फाइनल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड बन जाता है. जो मेरी कंडेंसेशन रिएक्शन है, मेरे टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर HCl अमोनिया एक्सेट्रा. तो ये मेरे पास एग्जाम्पल्स होगी कंडेंसेशन रिएक्शन की. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन. आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आइसोमर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक आइसोमर, जो आइसोमर्स होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर. मेरे पास एक फॉर्म है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी मेरे पास सिस एंड ट्रांस फॉर्म है. सपोज मेरे पास सिस फॉर्म है, दैट इज मेरे पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ना, इसकी भी हम एक्सपेंडेड ड्रॉ करें. हम कह रहे हैं मेरे पास सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, अगर मेरे मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट होता है सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट हो जाए तो ये मेरे पास आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी. ये कैसे पॉसिबल है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेरा सिस फॉर्म ये बॉन्ड ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल रोटेट होता है, ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये मेरे पास आइसोमराइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल होगी. देन उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर रिएक्शन. मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो होते हैं जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जिन रिएक्शंस में रीअरेंज होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं. मेरे मॉलिक्यूल में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है. एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड मेरा न्यू होता है. ये मेरे पास इंट्रा भी हो सकती है, इंटर भी हो सकती है. इंट्रा में मेरा विद इन सेम मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट होता है और इंटर में मेरा विद इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मेरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स होती है. इंट्रा में मेरे पास एग्जाम्पल आ जाती है इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन. विद इन सेम मॉलिक्यूल मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड्स रीऑर्गेनाइज होते हैं. सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, दिस इज ब्यूट 1,3 डाइन मॉलिक्यूल. इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट मेरा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बना देते हैं. दैट इज अगर मैं नंबरिंग दे दूँ सो दैट हमें क्लियरली समझे, 3 और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल आ गया, 1 और 4 में न्यू सिंगल बॉन्ड आ गया, 1 और 2 में भी सिंगल आ गया, 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ गया. दैट इज मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया. और इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ, साइक्लोब्यूटीन मॉलिक्यूल क्या मेरे पास. देन मेरे पास इंटर में एग्जाम्पल है साइक्लो एडिशन रिएक्शन. टू मॉलिक्यूल्स मेरे आपस में ऐड होके एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहे, दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर मॉलिक्यूल. ये रिएक्शन में मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू. साइक्लो एडिशन में मेरे पास एग्जाम्पल आ जाती है ब्यूट 1,3 डाइन प्लस एक डाइन मॉलिक्यूल, एक ईन मॉलिक्यूल. ये डाइन है तो यहाँ एक ही बॉन्ड है, ईन मॉलिक्यूल. अब इस केस में अगर मैं नंबरिंग कर दूँ हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 3 और 4 के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 5 के साथ बॉन्ड बनाना शुरू हो गए, 5 और 6 के इलेक्ट्रॉन्स ने 1 के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाने शुरू हो गए,
वन और टू और थ्री और फोर के डबल बॉन्ड सिंगल में आ गए, टू थ्री में डबल बॉन्ड आ गया, वन और सिक्स में और फोर और फाइव में न्यू बॉन्ड आ गया। दिट इज सिक्स मेंबर रिंग में ड्रॉ कर लेती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में शो कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, वन और सिक्स में सिंगल बॉन्ड आ गया, फाइव और सिक्स में सिंगल बॉन्ड है, फोर और फाइव में सिंगल बॉन्ड है, टू और थ्री में डबल बॉन्ड। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया, साइक्लोहेक्सीन। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें मेरे पास थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होती है, कुछ बॉन्ड मेरे बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड्स मेरे ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। फिर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन है जहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट दूसरे में, रिएक्टेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हो, चाहे वो एडिशन से हो, चाहे वो एलिमिनेशन से हो, चाहे वो कंडेंसेशन से हो, चाहे वो रीअरेंजमेंट से हो, चाहे वो आइसोमराइजेशन से हो, चाहे उस केस में कोवलेंट बॉन्ड रीऑर्गेनाइज करें। वो हमारे पास नेक्स्ट है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस टर्म का क्या मीनिंग है हमारे पास, मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कभी कभार हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होती है और कभी कभार हमारे पास कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, ऑन दैट बेसिस मेरे रिएक्शन को मैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कह देती हूँ। मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी मेरा सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पे दो वे से रिएक्शन की एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी, वन इज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी की बात करूंगी, सेकेंड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई बॉन्ड रिलीज हो रहा है, वो बॉन्ड ब्रेक होने से या बॉन्ड बनने से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। ब्रेक होने पे हमें एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड बनता है तो हमें एनर्जी रिलीज होती है, टोटल एनर्जी का आपस में ओवरऑल चेंज हम देखते हैं एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सबसे पहले इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहेंगे। सपोज मेरे दोनों रिएक्टेंट की एनर्जी में कंबाइन करूँ, ए के पास मेरे पास, हम एक रफली एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जो मेरे पास ए के पास एनर्जी 5 किलो जूल है, बी के पास मेरी 10 किलो जूल है, सी की मेरे पास एनर्जी 14 है और यहाँ मेरी 15 है। तो मेरे पास ओवरऑल डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन को होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी 14 और 15 होगी, दैट मीन्स टोटल मैं अगर करूँ 29, रिएक्टेंट की मेरे पास 15 हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल 14 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बिकॉज यहाँ प्लस साइन आ रहा है, दैट इज ये मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एक्सोथर्मिक कैसे हुआ, अगर मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी, सॉरी एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है मेरे पास, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो उस केस में मुझे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी सो दैट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इसके ऑपोजिट एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरे पास कौन सी होएगी, जिस केस में मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी कम होएगी। ये मेरे पास एग्जाम्पल एंडोथर्मिक की आ गई। एक्सोथर्मिक में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी अब 14 और 15 हो जाए, प्रोडक्ट की मेरी 5 और 4 है वैल्यू, तो मेरे पास डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होता है, ये मेरी 5 और 4 वैल्यू 9 होगी, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी मेरी 29 है, तो मेरे पास माइनस 20 किलो जूल नेगेटिव साइन है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो वर्ड का मीनिंग होता है आउट, बाहर निकल रही है एनर्जी, एंडो मीन्स अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इन दिस वे मेरे पास एनर्जी यूज होगी। तो ये मेरे पास एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन है, कब, जब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर मेरे रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, ये वाला केस, तो एनर्जी रिलीज होगी ना। अगर मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, तो मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब अगर मैं एनर्जी
बस यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का। मैं कह रही हूँ मेरे पास डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है हाई वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की कम है लो वैल्यू। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कंबाइन कर ली मैंने, प्रोडक्ट की एनर्जी कंबाइन कर ली मैंने, रिएक्टेंट की एनर्जी मेरे पास वैल्यू आ गई है 10, प्रोडक्ट की 5, तो मेरे पास 5 - 10 - 5 एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सपोज मैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी की फॉर्म में। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव, ये मेरे पास वैल्यू थे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर है रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी एचपी रिएक्टेंट की ये हो गई। ओवरऑल अगर हम वैल्यू करें, सपोज मेरे पास टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 10 आ गई, रिएक्टेंट की 5 आ गई, प्रोडक्ट मेरी 10 आ गई, रिएक्टेंट 5 आ गई, तो मेरे पास 5 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास एंडोथर्मिक, हम क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी ग्रेटर है। प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर है, दैट मीन्स रिएक्टेंट को मैं थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी, एनर्जी रिएक्शन में दे रही हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, बिकॉज रिएक्टेंट को मैं उतनी एनर्जी दूंगी, सो दैट प्रोडक्ट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, तभी प्रोडक्ट लो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये मेरे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। ये जो मेरे पास आया है वो इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी के फॉर्म में आया है। अगर हमारे पास एक और सेकेंड टाइप है, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं या उनको कितनी एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सपोज मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल होगी ए प्लस बी सी प्लस डी, मतलब सॉरी ए और बी मेरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सी एंड डी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ई एंड एफ मेरे पास बॉन्ड बन रहा है एंड जी और एच मेरा बॉन्ड बन रहा है। अब ए एंड बी सी एंड डी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं, मुझे एनर्जी चाहिए होती है। सपोज यहाँ पे मुझे एक्स वन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यहाँ पे मुझे एक्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये हम एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नहीं बात करें, हमें कितनी एनर्जी चाहिए और कितनी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है उसकी बात हो रही है। ऐसे ई एफ बॉन्ड बन रहे हैं, एक्स थ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे जी एच बॉन्ड बन रहा है, एक्स फोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। अब इस केस में जो डेल्टा एच है वो किस पे डिपेंड करेगा, मैं इन दोनों एनर्जीज का सम कर लूँगी, इन दोनों एनर्जी का सम कर लूँगी। अगर ये मेरी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये मेरी कम है, तो मेरे पास एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। मगर इन दोनों की वैल्यू मेरी ज़्यादा है, इन दोनों की कम है, तो मेरे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है मीथेन, दैट इज ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 433 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए हमें। सेकेंड केस में मेरे पास क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 242 किलो जूल एनर्जी चाहिए मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास नया बॉन्ड बन रहा है कार्बन और क्लोरीन का, मेरी एनर्जी 350 रिलीज हो रही है किलो जूल। और यहाँ पे मेरा HCl बॉन्ड बन रहा है, मेरे पास एनर्जी रिलीज हो रही है 430 किलो जूल। अब इन दोनों की एनर्जी की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड है 325 675। यहाँ पे मेरे पास एनर्जी क्या आ गई वैल्यू 780। मेरी एनर्जी मोर रिलीज हो रही है और मेरी जो रिक्वायर्ड है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए लेस है, तो ये मेरे पास ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया, मोर एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है, रिक्वायर्ड मेरी कम है, तो मेरे पास यहाँ पे 105 अगर मैं दोनों मेरी एक्सोथर्मिक हो गया प्रोसेस, क्योंकि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, सिर्फ मेरे पास अगेन मीथेन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 433 किलो जूल मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है। आयोडीन बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा है 151, यहाँ पे मेरी सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी चाहिए होती है। मेरा नया बॉन्ड बन क्या रहा है CH3I, उसके इसमें मेरी 234 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसी मेरा HI,
बॉन्ड बन रहा है, उस केस में मेरी 297 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ये वैल्यूज हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एक समझना चाह रहे हैं जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी की बात करें कि उन्हें बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए। अब इस केस में मेरे पास टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है अगर हम ऐड करें, 531 के आसपास मेरी एनर्जी, सॉरी यहाँ पे 7 है, हाँ यही होगी वैल्यू, रिलीज हो रही है। रिक्वायर्ड मेरी कितनी है, 584। रिक्वायर्ड मेरी ज़्यादा है, रिलीज कम हो रही है, तो ये मेरा प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक में भी कितनी एनर्जी मेरी रिक्वायर्ड है, 53 किलो जूल्स। तो ये मेरी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, वो पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करके या बॉन्ड फॉर्म करके कितनी एनर्जी मेरी रिक्वायर्ड है या कितनी एनर्जी रिलीज है, हम इस वे से करेंगे। दोनों ही वे से वी कैन एक्सप्लेन, बट द थिंग इज एक्सोथर्मिक में हमारी रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में मेरी एनर्जी कंज्यूम होती है। देन उसके बाद है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दैट इज एक्टिवेशन थ्योरी और क्लेयन थ्योरी। एक्टिवेशन और क्लेयन थ्योरी हम कैसे डिस्कस करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट हो आपस में क्लाइड होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा मेरे पास क्लेयन होंगे, मोर इज द क्लेयन फ्रिक्वेंसी, उतना मेरा चांस है कि मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। बट मेरे 100% क्लेयन जो मॉलिक्यूल्स क्लाइड हो रहे हैं वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते, क्योंकि मेरे पास क्लेयन फ्रिक्वेंसी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज मोर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे आपस में क्लाइड होते हैं बट वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। दैट मीन्स जो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्लेयन फ्रिक्वेंसी के साथ साथ मेरा कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसको हम, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन को हम पी इंटू जेड इंटू ई इस फॉर्म में देते हैं। पी मेरे पास उनकी प्रोबेबिलिटी है, जेड मेरे पास क्लेयन फ्रीक्वेंसी है, ये फैक्टर मेरे पास एनर्जी फैक्टर है। देखिए जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है अकेले क्लेयन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज अगर मेरा अकेले क्लेयन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता होता तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई होना चाहिए था। ये उसके साथ साथ मेरे टू मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। अगर उनकी एनर्जी मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी, उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दैट इज ये फैक्टर आ गया, क्लेयन फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। टू मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड करें, अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है तभी प्रोडक्ट बनेगा। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे टू कार्स है, टू कार्स में टक्कर हो रही है, अगर उनकी ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है तभी प्रॉपर टक्कर होगी। अगर मेरे पास दोनों ही कार्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, टक्कर नहीं हो सकती। दूसरा है इफेक्टिव, अगर हम कहते हैं ना कि इफेक्टिव क्लेयन हो, उनकी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, अगर वो दोनों बहुत स्लो स्पीड पे जा रहे हैं तो मेरे पास इफेक्टिव क्लाइड नहीं हो पाएंगी। दैट इज पहला फैक्टर, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वो एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, जहाँ मेरा बॉन्ड बन रहा है वहीं से एटम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना चाहिए। दूसरा, उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए सो दैट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तीसरा हमारे पास है क्लेयन फ्रिक्वेंसी, वो हम कह रहे हैं कि मेरे मॉलिक्यूल्स आपस में कलाइड करते हैं। ये अब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की कैसे कह सकते हैं, सपोज मेरे पास ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी है, जो मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है थ्रू सम ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ये मेरी मॉलिक्यूल्स की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मेरे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी मुझे चाहिए सो दैट मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए।
ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं उस रिएक्टेंट को कितनी और एनर्जी सप्लाई करूँ वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। मेरे पास इफेक्टिव क्लीन तभी हो पाएगा जब मेरे मॉलिक्यूल्स के पास फ्रेश होल्ड एनर्जी होगी। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के पास सफिशियंट एनर्जी होगी, जब आपस में कलाइड करें वो एनर्जी फ्रेश होल्ड की इक्वल होगी, तो मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर ये वैल्यू मेरी लेस हुई, सफिशियंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिली, तो मेरे पास वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये मेरे पास एक्टिवेशन और क्लीन थ्योरी है। मेरे मॉलिक्यूल्स की ऑरियंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उनमें क्लियर होना चाहिए, और उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि वैल्यू मेरी एक्टिवेशन एनर्जी की थ्रेशोल्ड एनर्जी की है, उतनी वैल्यू हमारी होनी चाहिए। मेरे पास यूजली जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में थ्रू ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होते हैं। अगर मेरे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम आ जाता है। अगर मेरी टू स्टेप रिएक्शन है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि टू स्टेप डायग्राम में मेरे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा बनेगा, अभी हम डिस्कस करें। सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, मेरे पास कुछ ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, देन मेरा ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, मेरा टू स्टेप रिएक्शन होगी। अगर मेरा पहला स्टेप, दैट मीन्स मेरे पास एनर्जी डायग्राम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मेरे पास पहली ट्रांजिशन स्टेट आ गई, फिर मेरे पास कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, ये मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट टू आ जाएगी, और ये मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। मेरा रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट ये एक्स आई में डिनोट कर दूँ, फिर इससे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना, फिर ट्रांजिशन स्टेट टू आई, और देन मेरे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ। अगर मेरा यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप ये वाला है, स्लोएस्ट स्टेप है जो मेरा रेट ऑर्डर डिटरमिन करता है, जो भी मेरा स्लोएस्ट स्टेप होता है उस केस में मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू हाई होती है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। तो यहाँ पे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मेरे पास आएगा। मैं दो ट्रांजिशन स्टेट दिखा रही हूँ, फर्स्ट वाली स्टेप में स्लो बता रही हूँ, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू मेरी ज्यादा हो जाएगी। दैट इज ये मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट वन की वैल्यू होगी, ये थोड़ी कम वैल्यू होगी। दैट इज अगर मेरे पास ये रिएक्शन ऐसे होने की बजाय ए प्लस बी मेरा ट्रांजिशन स्टेट में आता है, वो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट में आती है, और मेरा सेकंड स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, उस केस में मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ सेकंड स्टेप मेरा स्लोएस्ट है, दैट इज ये मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट वन होगी, ये मेरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया। अब मैं कह रही हूँ सेकंड स्टेप स्लो है, दैट मीन्स उस केस में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मेरी हाई होगी और ये मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, दैट मीन्स मेरे पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगी। सिंगल स्टेप है तो मेरे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा हो जाएगा, रिएक्टिव ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट। टू स्टेप है, मेरे पास वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, दैट इज फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट हो, तो मेरे पास फर्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई होगी। सेकंड स्टेप मेरा स्लोएस्ट स्टेप है, तो मेरे पास सेकंड वाली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई होगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हार्मोन्स पोस्टुलेट। उस केस में मेरी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्ट्रक्चर कौन सी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किससे रिजेंबल करती है, वो हम प्रेडिक्ट करेंगे। अगर मेरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी के नियरेस्ट है, तो मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर सिमिलर टू रिएक्टेंट होगी। बट अगर मेरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी प्रोडक्ट के नियरेस्ट है, तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर नियर टू सिमिलर टू प्रोडक्ट होगी। दैट मींस हमारे पास टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज हार्मोन्स पोस्टुलेट। इस केस में मैं दो एनर्जी डायग्राम बना रही हूँ, सिंगल स्टेप की ही मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट है, और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। सेकेंड के स्टेप में मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये मेरी प्रोडक्ट है, और ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट है। अब इस केस में मेरे पास ओवरऑल प्रोसेस क्या है, मेरे प्रोडक्ट हमारे पास डेल्टा
एच ये डेल्टा पी क्या होता है, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रेट। प्रोडक्ट की वैल्यू मेरी लो है, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरी लो है 5, रिएक्टेंट की मैं 10 कर लूँ, दिस इज 5 माइनस 10, मेरे पास ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। जब मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर मेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट होगी। कैसे देख सकते हैं, एनर्जी रिएक्टेंट की आई है, ट्रांजिशन स्टेट के नियर है, तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट नियर टू स्ट्रक्चर उसकी रिएक्टेंट जैसी होगी। दूसरे वाला केस में मेरे पास प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, रिएक्टेंट की लो है, डेल्टा एच मेरे पास क्या हो गया 10 माइनस 5, मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये माइनस फाइव हो गया ना, ये मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी की वैल्यू ट्रांजिशन स्टेट के नियर है, तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह हम अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बारे में थोड़ी नॉलेज है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनकी एनर्जी, उनकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर सकती है। देन उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। हम लोगों ने कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा है, कैटालिस्ट मेरी रिएक्शन के रेट को कैटालाइज करते हैं, मेरी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं, अल्टरनेट पाथ रिएक्शन की एनर्जी को देते हैं, बट हमारे क्या होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट या किसी भी स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करते, दैट मीन्स हमें अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके हमारे पास रिएक्शन को इजी कर देते हैं। सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, ये मेरा रिएक्टेंट क्या अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट क्या अच्छी है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट टी हो रही है। कहते जब मेरे पास ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, तो कैटलिस्ट मेरी रिएक्शन को ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। सपोज मेरा कैटलिस्ट के साथ ये प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट वाली रिएक्शन होगी। अब अगर मेरे पास थ्रू विदाउट कैटलिस्ट होती है, तो मुझे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, विद कैटलिस्ट होती है तो मुझे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। दैट इज जो मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी मोर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट मीन्स मेरी रिएक्शन ईजी हो जाएगी। जनरल डेल्टा जी मेरी रिएक्शन का नेगेटिव होना चाहिए, मेरी रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास है फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट और अदर आयनिक स्पीशीज। फॉर्मल चार्ज, जैसे हम कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट लेते हैं, सपोज मैंने रेडिकल ले लिया, कार्बोकेटायन ले लिया, कार्बन अनायन ले लिया, हमें क्या पता चलेगा उन पर क्या चार्ज आ रहा है, उनको चार्ज कैसे देखते हैं। जो मेरे मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस इसी के साथ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पता है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी नॉलेज है, तो मैं इजीली प्रेडिक्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास चार्ज क्या है। अब हम मिथाइल की बात कर रहे हैं, मिथाइल रेडिकल की, मेरे पास सेंट्रेटर कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, माइनस हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है। अगर मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल हुए 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ ऑफ 6 3 प्लस मेरे पास 1 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 माइनस 3 प्लस 1 4 0, तो मेरे पास जो मिथाइल रेडिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं आता। फिर उसके बाद हमारे पास केटायन है, CH3 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मेरे पास 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 3 बॉन्ड्स है, टोटल 6 हो गए, दैट इज हाफ ऑफ 6, और कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, दैट इज 0, 4 माइनस 3 प्लस 1, तो मेरे पास केटायन पे प्लस 1 चार्ज हो रहा है। ऐसे अगर मैं कार्बेनाइन पे देखूं, मेरे पास एक लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो मेरे पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस 3 बॉन्ड्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं मुझे, विच इज 4 माइनस 3 प्लस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो मेरे कार्बन आयन पे माइनस 1 चार्ज होता है। तो मैं किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल को ओवरऑल चार्ज असाइन कर सकती हूँ यूजिंग दिस फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला। देन उसके बाद मेरे पास नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन इस केस में मेरे पास ऑक्सीजन के, हमने देखना है चार्ज मेरा इस मॉलिक्यूल में कितना है। पहले हम नाइट्रोजन पे देखते हैं, नाइट्रोजन के केस में मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, माइनस 4 बॉन्ड बने हुए हैं, हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, प्लस कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरा को यहाँ दिख नहीं रहा, 0, 5 माइनस 4, 1 प्लस 1 चार्ज नाइट्रोजन के आएगा। देन उसके बाद ऑक्सीजन हम देखें, ऑक्सीजन दोनों का अगर हम देखें सिमिलर से नंबर ऑफ बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के केस में मेरे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ द नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस नॉन बॉन्डिंग भी 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 माइनस 2 प्लस 4, 6 माइनस 6 0, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, ओवरऑल चार्ज मेरा N और 2 ऑक्सीजन, N पे प्लस 1 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल नाइट्रोनियम आयन पे मेरे पास प्लस 1 चार्ज आ जाता है। दैट इज मेरे पास ये मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, 4 माइनस 4 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 मेरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पे 2 प्लस 4, 6 माइनस 6 0, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह मैं फॉर्मल चार्ज असाइन कर सकती हूँ अगर मुझे नॉलेज है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, उसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, फॉर्मूले की नॉलेज।